हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक्स की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में विजय शेखर शर्मा जो है उनको पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बोर्ड से जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही आपको जानकारी भी होगी कि जो आरबीआई की कार्रवाई है उसके तहत एक्सटेंड करके डेट को 15 मार्च कर दिया गया। 15 मार्च के बाद जो वॉलेट की सुविधा हुआ करती थी और जो पेटीएम पेमेंट बैंक की सुविधा हुआ करती थी वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। हालांकि बैंक का लाइसेंस अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से पेटीएम को एक बड़ा डेंट दिया गया है। साथ ही एक और खबर निकल करके आ रही है जिसमें कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो चलिए अब समझते हैं कि जुर्माना लगाया क्यों गया है। दरअसल वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर एक आरोप लगाया और बताया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। वो खुद शामिल नहीं है, लेकिन तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो कि अनाधिकारिक तौर पर पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करती थी। जुए और सट्टे के प्लेटफॉर्म में इस पेमेंट बैंक का इस्तेमाल किया जाता था। लोग ये जो बेटिंग का पैसा है, जो ये फर्जी ऑनलाइन गैम्बलिंग का पैसा है, इसको पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा एक्सेप्ट करते थे, उन बैंक में रखते थे और उनका उपयोग जो है आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। तो ये आरोप की पुष्टि हुई है और इसके बाद ही वित्त मंत्रालय की संस्था एफआईयू ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है। हालांकि पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रवक्ता का यह कहना है कि ये जो भी जुर्माना लगाया गया है, ये जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट था, उनका एक बिजनेस सेगमेंट था, उसके ऊपर लगाया गया, जिसको कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने 2 साल पहले ही बंद कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एफआईयू के नियमों का उल्लंघन न हो, इसकी निगरानी के लिए भी एक तंत्र पेटीएम पेमेंट बैंक में उसके बाद बना लिया गया था। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि पेटीएम पेमेंट बैंक की मुसीबतें जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ एक और खबर जुड़ी हुई है, वो ये है कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि OCL जो है उसने पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ अपना करार खत्म कर लिया है। अब ये करार क्या था? अब जैसा कि आप जानते हैं कि पेटीएम ऐप बहुत पहले से चल रही थी, जो कि 197 कम्युनिकेशन के अंडर आती थी। अब यहां पर आपको वॉलेट मिलता था और भी तमाम सारी सुविधाएं मिलती थी, पेमेंट करने के लिए UPI की सुविधा मिलती थी और भी टिकट बुकिंग, मूवी बुकिंग, सारी चीजें आपको पेटीएम की ऐप पे मिला करती थी। लेकिन बाद में जब पेटीएम पेमेंट बैंक आया तो आपस में कुछ समझौता हुआ होगा कि भैया जो भी पेमेंट्स होंगी या जो भी आप मूवी टिकट बुक कर रहे हैं उसके लिए आप पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो समझौता था, वो समझौता अब खत्म कर दिया गया है। पूरी तरह से जो डिपेंडेंसी थी वो भी खत्म कर दी गई है पेटीएम पेमेंट बैंक से। तो ये जो पेटीएम का ऐप है ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट पहले की तरह हो गया है और तमाम विज्ञापन आपने देखे होंगे, पेटीएम का जो बॉक्स है वो अभी भी चलता रहेगा। पेटीएम का जो फास्टैग था वो अब HDFC की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि अब आप नया फास्टैग जब आप खरीदते हैं पेटीएम से तो वो आप HDFC का प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने टाइम एंड अगेन आपको दिखाया है, जितनी भी ये फर्जी ऐप्स होती हैं, कलर प्रेडिक्शन वाली हो चाहे इन्वेस्टमेंट वाली हो, इन सभी में पेटीएम का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। पेटीएम की UPI सर्विसेज का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। जब भी आप इन ऐप्स में पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो एक इंटरमीडियरी पेज आता है जहां पर बकायदा एक पेटीएम का QR कोड खुलता है और उसमें जाकर के आपको पेमेंट करनी होती है। और साथ ही आपको बताया जाता है कि पेमेंट करने के बाद 12 डिजिट का एक UTR नंबर होता है जिसका कि आपको बाद में यहाँ पर उपयोग करना है और दिए हुए स्थान में भरना है। इसके बाद ही आपकी पेमेंट कंफर्म मानी जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि स्कैमर्स GPay और PhonePe का इस्तेमाल ज़्यादातर क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पर एक वार्निंग डिस्प्ले हो जाती है जब भी आप पेमेंट करने जाते हैं, तो उस GPay से या PhonePe से जो अकाउंट एसोसिएटेड होता है उसकी गतिविधियों पर ट्रैक रखने के बाद GPay और PhonePe एक वार्निंग डालता है कि ये एक स्कैम अकाउंट भी हो सकता है, तो आप इसमें पेमेंट करने से पहले 10 बार सोच लें। लेकिन ऐसी वार्निंग पेटीएम पर कभी नहीं देखी गई है। तो इसी वजह से जितने भी ये स्कैमर्स हैं, जितने भी ये फर्जी ऐप्स चल रही हैं, गेमिंग के नाम पर, बेटिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कलर प्रेडिक्शन के नाम पे, एविएटर गेम के नाम पर, हवाई जहाज उड़ता है और आप लाखों रुपए जीतते हो, तो ये जितनी भी फर्जी संस्थाएं हैं, फर्जी कंपनियां हैं, फर्जी ऐप्स हैं, ये पेटीएम के इंटरफेस का इस्तेमाल करती हैं और वहां से लोगों को ठगने का काम करती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हो जाना है सावधान। खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, खबर काम की लगी हो तो दोस्तों रिश्तेदारों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।